सर मेरा एक सवाल है जी, अपन कई लोग कहते हैं भी अपन जी हथ ग्रसी है भी अपन कर लेनी चाहिए है, भी वो जो मन आ भी वह शांत हो जाता, भी अपना जो मन इधर उधर जानों हट जाता वा, भी हथ ग्रसी करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। 4 साल दे, 3 साल दे, 2 साल दे बच्चे तो उंगल फड़ के ते 20-25 साल तक तो उसका साथ दें, पढ़ाई च पैसे खर्चते हैं, मोटरसाइकिल लैके फीसा भरन तो लैके यूनिवर्सिटियां पहुँचाने तो लैके कपड़े लैन तक सारिया सहूलतों के नाल असी उहदी एक सपोर्ट उहदे नाल एक मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के काम करते हैं। पर ग्रस्ती जिंदगी जिथे उहदी जिंदगी का पड़ाव शुरू होना उत्थे जाके असी उहदा साथ छड़ देना। वैसे साहब कंट्रोल करन दा की तरीका ये दा? आम लोकां दे बच्चे जिहड़े आ वो किसी दे मगर लग के, किसी दी धारना दे मगर लग के, कोई प्रचलित गल नूं बना के उस गल दे मगर लग के वो किड्डा वड्डा नुकसान अपनी जिंदगी दा करदे आ। जिहड़े बंदे एक दिन च 4 वार हथ रसी करी जांदे आ उहनां दे अंदर किहड़ा टुल्लू पंप लग्गिआ वी वीर जी इन्ना बना दूगा। जिहड़ी तुहाडी क्लास हैगी है, जिहड़ा इह बंदा इह वीडियो देख रिहा है, मैनूं लगदा है कि घर बचाउण वाली, परिवार बचाउण वाली, खास करके विआह बचाउण वाली ते तलाकां तो खैड़ा छुड़वाने वाली है वीडियो, मैं लगता है कि जी बनने वाली है अज का जो थोड़ा लैक्चर है जो डिलीवर करने वाले हो इन्होंने बच्चों। वैसा जो कहें अपने संडे का तेल ना साइज वाधा आ, मैडिकलों से देंदे तेल देंदे जो कुछ माँ बन देते मिलाने वास्ते, वो कुछ होंगे साइज इंग्रीज या नहीं? ये सब बकवास गल्लां ने, और जेडे लोग इंद्रियां वड्डियां करते उन्होंने साडा खुला चैलेंज भी है कि जे तुसी पेनिस का साइज कितने एक अद्धा इंच किसी का वधाया हो तो मेरे को मेरा ख्याल है भी बहुत बड़े लेवल पर पेशेंट ने जोड़े इंद्री के चक्कर च मानसिक तौर पर बीमार आ, शरीरक तौर पर बीमार आ, इंद्री नहीं बढ़ सकती। असली सच गल यह है भी नशा करके लोग सैक्स करते हैं, भी उन्होंने कि आप दसना चाहिए कि अपना नशा करके सैक्स नहीं करना चाहिए, तो चीज़ दस्यो कि एक जिदा भी बहुत सारे सवाल तुहाडे जहन च ने जिहड़े तुसी नहीं पुछ सकदे, मदर फादर नाल नहीं कर सकदे, अपने किसी रिश्तेदार नाल नहीं कर सकदे, लेकिन उन्हां सवालां दे जिहड़े जवाब आ जदों तुसी सुनने आ उन्हां नूं समझणा। जिवें अजकल दे 20-30 साल दे नौजवान ने मुंडे जिन्हां दे विआह होणा दे, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਭਰਜੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਸਮਝੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਨਾਮਰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਮਰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं हाँ कासिफ फारूकी। इस वेले पंजाब दे विच बहुत ज़्यादा अजिहियां बीमारियां ने जिन्हां करके लगातार घरां दे विच तलाक दे मामले जिहड़े वध रहे ने, बहुत सारियां दिक्कतां परेशानियां इदां दीआं हुंदीआं ने कि विआह तों पहलां और विआह तों बाद जेकर उन्हां मामलिआं दे उत्ते मुंडे कुड़ियां नूं, खास करके नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं गाइडेंस ना मिले तां किते ना किते उह राह है जिहड़ा भटक जांदे ने, ते फिर वैदा हकीमां दीआं जिहड़ीआं जेबां ने उह मोटियां करन दा कम करदे ने। साडे नाल अज वैद जगदीप जी ने जिन्हां ने जिहड़ी क्लास है जिहड़ी नवेक लिपित हैगी उह शुरू कीती है, उह क्लास जरिए उन्हां मुंडे कुड़ियां नूं जिन्हां दे विआह हो चुके ने जां फिर जिन्हां दे आउण वाले समें दे विच विआह होणे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਵੈਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੰਘੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ 'ਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਭਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
कोशिश करी दी है भी नौजवान बच्चे जिहड़े जिहड़े साडे देश दा भविख आ कौम दा भविख आ ते उज्जवल भविख उही कर सकदे आ क्योंकि नौजवान पीढ़ी जिहड़ी उहदे च बल हुंदा ताकत हुंदी है ते कौम नूं भी एक सेध देण वास्ते ते साडा आउण वाले देश दा भविख हुंदे ने उह तो जिन्ने ज़्यादा उन्होंने सेहत तंदुरुस्त रहेगी ताइयो अगे वध के वह कोई काम कर सकणगे। सो अज तुसी एक शुरू कीती है ये मुंडे जिहड़े हैगे ने ये कौन ने किस मानसिकता नाल तुहाडे कोल आए ने वैज जी? फुरकी साहब इस तरह भी नौजवान बच्चे जिहड़े साडे कोल रोज़ नवे मरीज वध रहे आ खास करके सैक्स एजुकेशन ना होण करके। पहली गल तां साडे घरां दे विच गृहस्थी की एजुकेशन है नहीं, असी 4 साल के 3 साल के 2 साल के बच्चे तो उंगल फड़ के तो 20-25 साल तक तो उसका साथ देने पढ़ाई पैसे खर्चते हैं, मोटरसाइकिल लैके फीसा भरन तो लैके यूनिवर्सिटियां पहुँचाने तो लैके कपड़े लैन तक सारिया सहूलतों के नाल असी उसकी एक सपोर्ट उसके नाल एक मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के काम करते हैं। पर गृहस्थी जिंदगी जिथे उसकी जिंदगी का पड़ाव शुरू होना उत्थे जाके असी उसका साथ छड़ देने। सो तुम अच्छे साथ पढ़ रहे हो उन्होंने साथ ने मेरा धर्म है क्योंकि जेड़े धर्म का जो मैं सरदार केसर सिंह जी होना तो सीख्या मेरा धर्म यह कहता है भी मैं जे मेरी छोटी जी तुच्छ बुद्धि अनुसार जिनी क नॉलेज मैं हैगी है अगर वो ज्ञान लोगों तक पहुँच जाए लोगों को समझ आ जाए क्योंकि आप फीडबैक जी देखी है कि आम लोगों के बच्चे जेड़े आ वो किसी के मगर लग के किसी की धारणा के मगर लग के कोई प्रचलित गल न बना के उस गल के मगर लग के वो किड्डा वड्डा नुकसान अपनी जिंदगी का करते हैं। अज कोशिश की है भी आप चीज़ लोगों कई लोग सवाल ही नहीं कर सकते तो कुछ बच्चे हम साढ़े को जिमें 50 बच्चे आए हैं तो 5-4 बच्चे जिन्होंने हौसला किया भी नहीं यार लोगों के सवाल आम असी 10-50 दोस्त तो साढ़े च यह गल आम आ भी ये काम कर लेना चाहिए। 20 बच्चे है जिन्होंने आम गल भी असं जिते रूटीन च बहने उत्थे कुछ समझाने वाला ही है नहीं गा एक बंद एक प्रॉब्लम हुई तो उन्हें 10 जगह होर क्रिएट करती भी मैनू कहड़ा कुछ हो गया तो वो चीज़ों के सवाल आपां लोकां च चाहते हैं ताकि लोग इन्हां दे जरिए इन्हां दा भी बहुत धन्नवाद है बहुत वड्डा इन्हां ने हौसला किया ताकि वो गल लोगों तक पहुँचे। और यह एक सवाल कल एक बंद का नहीं ये एक एक 10-10, 20-20 हज़ार बंद का सवाल है क्योंकि जिहड़ियां गल्लां आपां करांगे वो लोगों के सवाल इत्थे आउणगे तो फिर वह जवाब आप कोशिश करांगे देण। सो कुल मिला के जिहड़ी तुहाडी क्लास हैगी है जिहड़ा ये बंदा ये वीडियो देख रहा है मैं लगता है कि घर बचाउण वाली परिवार बचाउण वाली खास करके विआह बचाउण वाली ते तलाकां तो खैड़ा छुड़वाने वाली है वीडियो मैं लगता है कि जी बनने वाली है अज का जो थोड़ा लैक्चर है जो डिलीवर करने वाले हो इन बच्चों। फुरकी साहब गल ये है भी जे साडा 20 साल का 15 साल का 18 साल का नौजवान बच्चा जिन्हों सिर्फ एक गल समझ लग गई कि अगर मेरे को सारिया चीज़ा ब्रांडेड है गड्डी आ कार आ कोठी आ पैसे आ जायदाद आ सारिया चीज़ा है लेकिन मैं गृहस्थी के अगर कमजोर हाँ तो कलेश मेरी जिंदगी चो सारी जिंदगी नहीं जाना जेकर मैं शरीरिक तौर पर बलवर्धक नहीं है तो वह मेरे नाल एक टॉपिक जुड़ जाना जिन्हें आने वाले टाइम च मेरी गृहस्थी जिंदगी खराब करनी है। इसलिए शरीर का बल बधाना शरीर के किमें बल रहा तो वीर जिन्हों असं सिमन कहने वो साढ़े अंदर जे रहा तो असं की बनते हैं तो जे असं उन्हों बाहर डिस्चार्ज करते हैं तो असं की बनते हैं वो आप पूरी गल करा जी अच्छा तो फिर जाते माफ़ करना समा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा लै रहे हैं इन्होंने बंद का भी समा ज़्यादा लै रहे हैं बड़ा कीमती समा होंगे हमेशा की तरह थोड़ा फिर मेरे जाते जाते सवाल का यह जवाब देवो कि माँ बाप खुद छड़ के गए हैं इन्ने जागरूक हो गए हैं हुण पंजाब के लोग जिहड़े इस टॉपिक के उत्ते खुल के गल करन लगे ने अपने बच्चों नाल। देखो फुरकी साहब बहुत सारे माँ बाप के जिन्हां दे फोन इस करके आए है कि वैद साहब सानू असी खुद इस काम चो हंडे हैं पर असी कदे सोचे ही नहीं गा भी जे मैनू यह प्रॉब्लम सी तो मेरा मेरा बच्चा भी तो उही खुराकां खा रहा है और पहले नालों खुराक अज असी गर्मी की खा रहे हैं। मैं गृहस्थी के उत्ते बहुत सारिया बंदियां ने डिबेट करके देखी है सिर्फ सानू ना समझ होण करके मैं तुहानू एक सिंपल उदाहरण दिना असी 4-5 कॉलेजों के प्रोग्राम किए तो जोड़े व्याहे हुए बंदे से अड्ड बिठा ले तो जोड़े कुआरे से अड्ड बिठा ले। मैं क्या सिर्फ तुम जो रात को ग्रस्त करने वेले थोड़ी माता या थोड़ी दादी ने बैड के सराने दुध क्यों रखे तो मैं अज लोगों सवाल थोड़े तो जरिए करना चाहना है अज कि नूह तो पुत ने जोड़े बैड के सराने दुध रखते हैं सानू आदतपाती गड़बी पानी की रखण की क्योंकि असं अनसैसरी पानी सानू समझ है नहीं कि चीज़ पीनी है तो कि चीज़ का की इफेक्ट है तो की साइड इफेक्ट है ये कोशिश करा आप समझाने की जी। आप हम गल करनी है फुरकी साहब ने इंट्रोड्यूस थानू कराता जिहड़ी गल अच्छ आप समझा है लोगों के सवाल समझने हैं
बहुत सारे सवाल तुहाडे जहन च ने जिहड़े तुसी नहीं पुछ सकदे, मदर फादर नाल नहीं कर सकदे, अपने किसी रिश्तेदार नाल नहीं कर सकदे, लेकिन उन्हां सवालों के जिहड़े जवाब जदों तुसी सुनने हैं उन्हां नूं समझना है। और ये सवाल के जवाब एवें नहीं गए भी जिवें किसी ने कहता भी आ कम कर लेना चाहिए, वो बनी बनाई बनौटी गल दे की इफेक्ट हो सकते हैं, की साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तुहाडे रोंगटे खड़े हो जाने हैं जो तुहानू विस्थार ना आप समझा है कि केड़ी गल का की इफेक्ट होंगे। आप इतने बंदे की पेनिस बनाई है, इस पेनिस के जरिए इंद्री के जरिए आप समझाने की कोशिश करते हैं भी केड़ी केड़ी चीज़ के इफेक्ट होंगे, केड़ी चीज़ के साइड इफेक्ट होंगे। आ इंद्री के डेढ़ इंच की हड्डी होंगी है, हाँ साढ़े अंडकोश ने इन दे दो गिल्टियां होंदियां फिलर कहिंदे इन्हों, इन दे एक वेन्स साढ़े इत्थे स्टिपक तक आउंदी है, दो वेन्स ने इहदे अंदर ते एक आह वेन्स साढ़े अंदर जुड़ी हुई है जिहड़ी किडनी नाल जुड़दी है ते पेशाब नूं लिया के इत्थे इकट्ठा करदी है। इस तों अगे इह सारे लिप्स लगे हुए ने पेनिस दे विच लास्ट डिस्चार्ज होण तक, इह लिप्स इस तरह बंद होंदे है ते जिवें जिवें इहदे विच दी सिमन हो के अगे नूं जांदा गा उह इत्थों साढ़े डिस्चार्ज हो जांदा है। दूसरी गल जी बहुत विस्थार न समझण की लोड़ है कि जेडे लिप्स ये लगे है जो तुसी काम वासना उत्तेजना हो जाती है सैक्स एजुकेशन ना होण करके कोई दिमाग दे विच सैक्स दियां गल्लां चलदियां, पोर्न मूवियां देखते हैं, कोई उस तरह की अश्लीलता देखते हैं, जे एक बार इतों इतने तक सिमन आ गया और असी बिच रुक गए तो यह सिमन कदे भी वापस नहीं जाता, पिछे नहीं जाता और बैक नहीं जाता। ये जो वीरज आ गया वह इतने वापस नहीं जाना, जोड़ा वीरज इतने आ गया तो जो पिछों पेशाब का फ्लो आना उस दे नाल एहे बाहर चले जाना। हज़ार बंदे यहोजे जे काम वासना उत्तेजित करते हैं, इंद्री के सिमन लिया तो बाद दवाइया ले जाते जी मैनू धांत पई जाती है, पेशाब के नाल वीरज आई जाता है। छोटिया छोटिया गलतियां करके जेडे लोगों के इफेक्ट होए ने वो किमें साइड इफेक्ट हो गए वो आप अज कोशिश करेंगे, थोड़ा सवाल कोशिश करेंगे भी तुहाडे भी सवाल मिलन। तुसी जिहे जी कोई एजुकेशन लैण लई आए हो तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद है, तुहाडे जरिए ना हज़ारां सवाल लोगों ने करने हैं तो समझण की कोशिश करनी है। हुण जे तुहाडा किसी के मन च कोई सवाल हैगा तो सारी गल मैं थोनों दसती है तो तुसी अपना सवाल कर सकते हो, फिर आप इतने विस्थार च कोई ना कोई जवाब देने की कोशिश करांगे। सर मेरा एक सवाल है जी, अपन कई लोग कहते हैं भी अपन जी हथ ग्रसी है भी अपन कर लेनी चाहिए है भी वाल जो मन आई शांत हो जाता भी अपना जो मन इधर उधर जा हट जाता वा भी हथ ग्रसी करनी चाहिए है या नहीं करनी चाहिए। देखो इस तरह का भी बहुत वधिया सवाल है थोड़ा और ये मेरा ख्याल है भी लखा लोगों का यही सवाल है ना एजुकेटड होने करके। पहली गल तो गल ये है भी जेडे लोग ये समझते कि हथ रसी कर लेनी चाहिए है तो काम वासना शांत हो जाती है। जिहड़े बंदियां दे अंदर काम वासना हैगी असीं मर्द तां बणदे आ जे साडे अंदर काम वासना हैगी आ, जिन्हां बंदियां दी काम वासना शांत करदे आ ते शांत करदे करदे उह इन्नी क शांत कर बहिंदे आ ते हुण जे कोशिश करके भी चाहुंदे आ कि मैनूं काम वासना हो जाए उत्तेजना आ जाए ते जदों उह अपनी काम वासना दे चक्कर दे विच अनप्रक्रिया अनप्रैक्टिकल जां गैर कुदरती जिहनूं आपां हथरसी भी कहिंदे आ हस्त मैथुन कहिंदे आ तो वो की नतीजे होंगे है जो तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। हुण पहली गल तुसीं ये देखो भी आप अज लाने भी अज एक बच्चे ने हथ रसी करनी शुरू की, अज पहले दिन हथ रसी की वीर ज इत्थे आ गया और सानू एक्साइटमेंट हो गई, पोर्न मूवी देखी कुछ भी देखा एक्साइटमेंट हो गई तो इतों वीर ज ने ऐ घूम के ये बहर आना गा जी आ लिप्स लगे हुए इस तरह वीर ज घूमता तो इतों बहर आता है। हुण पहले दिन हथ रसी की तो मिनट पंज लगे साडा वीरज डिस्चार्ज होने वास्ते, लेकिन थोड़ा टाइम जो असी लगातार हथ रसी करते रहे तो ये जी टाइमिंग सी ये चार मिनट पर आ गई जी, हौली हौली यह तीन मिनट पर आ गई, हौली हौली दो मिनट पर आ गई, हौली हौली एक मिनट पर आ गई। तो अज हाल ये है कि असी कोई भी सैक्स की गल करते हैं सिर्फ दिमाग एक्साइटमेंट चाहता कितने तो वीरज इतने आना सी सिमन तो इतों इन्हों के बिच दी घूम के लिप्स के बिच दी बाहर आना सीगा फिर निकलना सी। ये लिप्स का कहने का मतलब जो असी पेनिस नूं इस तरह हिलाने पहली बार पेनिस हिलाई तो इतों सिमन इतने आ गया,
दूसरी बार हलाई तो इतों इतने आ गया, फिर ऐ घूम घूम के वीर जी ने बाहर आना सी ते किथे असी पेनिस दा ओ हाल करता इहदा कि सिर्फ दिमाग च एक्साइटमेंट आउंदी आ ते इतों बूंदा डिगी जांदियां ने, चिपचिपा रिसाओ बाहर आई जांदा, वीर जी टिकदा नहीं हैगा। हुण वीर जी क्यों नहीं टिकदा? पहली बार जदों 5 मिनट च वीर जी निकलदा सी, ओ 1 मिनट तक किवें पहुंच गया? क्योंकि असी हथ रसी कर करके आ पेनिस दे जिहड़े लिप्स सीगे, जिहड़े बंद लिप्स सीगे, उन्हां नूं खोलता। हुण सिर्फ एक्साइटमेंट दिमाग च आउंदी है ते इत्थों ड्रॉपिंग होई जांदी है। हज़ारां बच्चे साडे कोल हैगे आ जिन्हां दा सिर्फ थोड़ा जिहा ध्यान सैक्शन नहीं गया ते इत्थों ड्रॉप निकली जांदा गा। जे असी अगर ये हथ रसी ना करदे हुंदे, पहली गल साडे इत्थे वैरीकोसील नहीं बननी। अंडकोश दे जदों खाली हो जांदे आ उहदे अंदर वैरीकोसील बनने दे चांस 90% है। दूसरी गल जदों सीमन इहदे विचों बना के असी कढ़दे आ, अज सिमन जिहड़ा असी डिस्चार्ज कीता उह 5वें दिन जाके उन्ना सिमन बनता। अज वीर जी डिस्चार्ज करता, ये 5वें दिन वीर जी बनना गा। किसी ने स्पर्म टैसट कराने आ, अज सैक्स करना गा, 4 दिन सैक्स नहीं करना, 5वें दिन आपां सिमन का टैसट कराने, क्योंकि 5वें दिन वीर जी उन्ना बनता। लेकिन जिहड़े बंदे 1 दिन च 4 वार हथ रसी करी जाते हैं, उन्हां दे अंदर किहड़ा टुल्लू पंप लग्या वी वीर जी इन्ना बना दूगा? उन्ना वीर जी साडे अंदर बनना नहीं गा जिन्ना असी डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो फिर वो साइड इफेक्ट आ जोड़े हज़ारा बंद अच्छे नमरदी वाले पास में जा रहे, इस करके सूँ हथ रसी नहीं करनी चाहिए जी। वैसा भी कंट्रोल करने का की तरीका ये था? हथ रसी का? हाँ जी हाँ जी। देखो इस तरह का भी जेड़े बच्चे हैंड प्रैक्टिस करते हैं, हथ रसी करते हैं, सब तो वड्डी गल है कि तुहाडा जिहड़ा दिमाग हर वक्त अगर काम वासना वाले पास में जा रहा है तो वह बहुत सारिया चीज़ों जोड़ के आपां इहनूं हटा सकते हैं। उहदे च सब तो वड्डा जिहड़ा मन शांत करने लई काम करता वह हैगा ध्यान। जे तुसीं गुरबाणी दे नाल जोड़ के देखते हो तो पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, तो पंचां का गुर एक ध्यान। ध्यान दे नाल तुसीं कई चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां काम नूं शांत कर सकते हो। कीर्तन उहदा बहुत वड्डा काम आ। फिर तुसीं एटमोसफीयर किहो जिहे च रह रहे हो, लोकां नाल किस तरह की गल करते हो, तुहाडे यार दोस्त किस टाइप दे गल करन वाले आ, तुसीं दिने किस तरह के लोगों नूं मिलदे हो, तुहाडा काम करन दा वे की आ, और सब तो वड्डी गल है कि तुहाडे कोले काम करन दा जरिया की। जिन्ने लोग वेहले आ काम नहीं करते और ज़्यादा ध्यान एक्साइटमेंट वाले पासे जाते हैं, पोर्न मूवियां देखने हैं, ख्याल उस तरह की गल करनी, ईवन कि हुण इत्थे तक भी असी पेशेंट देखे है कि गल फोन ते कर रहे हैं, बंदा अमरीका बैठा, कुड़ी मुंडा कोई किते बैठा, कोई किते बैठा, गल फोन ते चल रही है, कोई स्पर्श नहीं, कोई हाथ नहीं लाया किसी नूं, किसी ने गल नहीं की, कोई टच नहीं किया, तो पेनिस दे विचों बूंदा आई जांदियां ने। तुसीं सोच सकते हो कि तुहाडे ऑर्गन्स दिमाग दे किन्ने क ज़्यादा उत्थों एक्साइट हो जाते हैं। जिहड़ी पेनिस दे विच्चों घूम के वीर च बाहर आना सीगा ते कपड़े च पई पेनिस जिहनूं स्टार्टिंग भी नहीं हुई तो उच्चों चिपचिपी लार वगण लग गई, इहनूं जदों भी तुहाडा सैक्स वाले पासे नूं ध्यान जांदा है, जे तुसीं कुआ रहे हो तां मैं तुहानूं रिक्वेस्ट भी करदा, जे तुहाडा एक्साइटमेंट भी वधदी है तां तुसीं खुराक उस तरह की खाओ। कुआरे बच्चों नूं रात नूं बदाम नहीं खाने चाहिए, अज्ज दा दुध आ जिहड़ा उह नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाया ते यूरिया उह भी काम वासना वधाउंदा है। ब्याहे बंदे नूं दुध जरूर पीना चाहिए पर दुध च डाया ते यूरिया ना होवे जिहड़ा तुहाडा सिमन दी उत्पत्ति पैदा करे। कुआरे आ तां दुध नहीं पीना चाहिए, डाइट सानूं बहुत नॉर्मल लैनी चाहिए है, और वीर च वर्धक डाइट लैनी चाहिए है ताकि तुहाडी बॉडी स्ट्रोंग हो सके जी। है ना जी, होर किसी का कोई सवाल है तो वह भी तुसीं पुछ सकते हो जी। कहिंदे हुंदे आ वी अपने साइज वधाउण बारे, टाइमिंग वधाउण वास्ते, इहदा की दसो जी। बहुत वधिया सवाल है तुहाडा, और ये एक लोगों को चैलेंज भी है। मैं एक बार फरुखी साहब के नाल पहले भी वीडियो कर चुके हैं भी मेरी आ उंगल दे विच हड्डी भी है ते मास भी है, ये हड्डी आ मास आ सारा कुछ हैगा, अगर ये एक सूत नहीं वध सकती तो तुसीं उहनूं वधाउण की गल करते हो जिहदे अंदर ना हड्डी आ ते ना मास है। हुण तुहाडा ध्यान सैक्स वाले पासे नूं नहीं हैगा ते पेनिस का साइज छोटा गा, तुहाडा ध्यान सैक्स वाले पासे नूं गया ते साइज़ वड्डा हो गया, इहदा मतलब इहदे अंदर वेन्स ने जिहड़ियां उह छोटियां भी हो सकदियां वड्डियां भी हो सकदियां। दूसरी गल, अगर तुहाडी पेनिस दे विच आ लिप्स दे उत्ते सारी दी सारी पेनिस खड़ी है, फर्ज करो एक बच्चे दे लिप्स हैगे 15, ठीक है जी,
ਇਹ ਉਹਨੇ ਲਿਪਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੈਨਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲਿਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪੈਨਿਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਿਸ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਉਹ 7 ਇੰਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਇੰਚ ਵਾਲਾ ਉਹ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਇੰਚ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਉਹ 12 ਇੰਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੱਟਾਂ ਨਾ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ 1/2 ਇੰਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇੰਦਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਅਸਲੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਨਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਦਰੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ 43 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਜੂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਜੂ? ਜਿਵੇਂ ਕੱਦ ਵਧਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਪਤਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾਪਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਹੋਜੂ, ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਮੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਗਾ। ਵੈਸਾ ਵੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਡੇ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਆ, ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾ, ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਰੱਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਲੋ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਆਹ ਨਾੜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਨਾੜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਘੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੀ ਟਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਆ ਜੇ, ਟਾਕੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਟਾਕੀ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਨਹੁੰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੁੰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾੜਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾੜਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਮ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਮਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੋਰੀਆ ਵਗਦਾ, ਧਾਂਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲਾ ਵੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾੜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੇਨਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਕਲਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਲ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਮ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੱਛੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੀ ਮਲਦੇ ਆ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਜਰਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਨਿਸ 'ਤੇ ਮਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੀਟਡ ਤੇਲ ਨੇ, ਗਰਮ ਤੇਲ ਨੇ, ਗਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਦਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਜੋ ਇਨਾਮ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ
भी गुमराह हो रहे और लोगों के तरह तरह के जो सवाल है ये सारे सवाल लोगों के ही है जो आप कर रहे हैं ताकि लोगों को जागरूकता आ जाए जी। भी नशा करके लोग सेक्स करते हैं भी उन्होंने कि आप दसना चाहिए भी अपना नशा करके सैक्स नहीं करना चाहिए तो चीज़ दस एक जिदा भी बहुत वधिया सवाल है तुहाडा। सब तो पहली गल तो यह है भी अज जिहड़े साडे च ना जी ओल्ड ट्रांसमिशन हुंदियां ने साडी दादी ओल्ड सी तां उहदा नॉलेज सी उहने 70 80 90 साल जिंदगी ज्योई है तरह तरह के उहने अपनी जिंदगी के उत्तों समय हंडाए आ हुण दादी ने कन्वर्ट करनी सी नूह दे विच हुण नूह नूं जिहड़ा ज्ञान देना सी कुछ ट्रांसमिशन ज्ञान घट गया अज परिवारां दे विच दादी दी नॉलेज लैण नूं पोता तैयार नहीं गा प्रेम घट गया कल्ले कल्ले परिवार असीं अड अड रहण लग गए। बहुत सारे बंदियां नूं मैं सवाल यह भी किया बहुत अच्छा सवाल है कि साडा जदों विआह हुंदा है विआह वाले दिन असीं बैड दे सरहाणे दुध क्यों रखदे हां मिल्क क्यों रखदे हां दुध दा जदों असीं इत्थे मिल्क रखणा है तो यह रखने का कारण की है दुध के कैल्शियम होंगे तो जोड़ा सिमन साढ़े जो डिस्चार्ज हों ग्रस्त करते हैं तो वो बहुत सारी मात्रा के प्रोटीन तो कैल्शियम होंगे जिदे सिमन साढ़े अंदर बनता है। दूसरी गल है कि साढ़े अंदर उत्पत्ति पैदा करनी जो असी रोज़ ग्रस्त करना चाहते हैं तो रोज़ वीरज बनाने की असी कि खुराक खानी सानू चाहिए है ये सब तो व्डा लोगों से सवाल है। हुण लोग कहते जी मैं कणक की तो रोटी खाना तिने टाइम दाल सब्जी खाना एक गिलास मैं दुध पीना गा की तुहानू लगता भी चार चीज़ां तुहाडे च वीरज उन्ना पैदा कर देणगे जिन्ना तुसी रोज़ वीरज डिस्चार्ज करते हो। दूसरी गल जदों असी वीरज डिस्चार्ज करते हैं जे किसी ने चेक करके देखना होवे प्रैक्टिकल सैक्स करके भी देखना होवे पहले दिन असी डिस्चार्ज होवांगे उदों जिहड़ी स्पर्म की थिकनेस है वह 90% तक थिकनेस होंदी है लेकिन जे तुसी दूसरे दिन भी स्पर्म डिस्चार्ज कर रहे हो तो 70% तक आ जाती है होर ज़्यादा डिस्चार्ज करी जाने तो 60% फिर 50% फिर 40% पंजवें तीजे चौथे लास्ट दिन तक ये बिल्कुल सिमन पतला निकल लग जाता और बहुत सारे बंद मानसिकता इतने खड़ी है कि वीरज मेरा पानी अर्गा निकलता है वीरज नूं अंदर रुकांगे उन्हूं जम्मण देवांगे ताइयो वीरज थिक बनूगा नाले इहनू जमा के मसला दही जमाउण दा नहीं गा मसला गा भी इहदे विच क्वालिटी किहड़ी पैदा करनी है। चार तरह का सिमन हुंदा है पहले एक्टिव मोटैलिटी हुंदी है फिर सलूगश हुंदे आ फिर डेड सैल हुंदे ते फिर पस सैल हुंदे आ जदों असीं रोज़ स्पर्म कढ़ी जांदे आ जां तां उन्नी खुराक खाओ स्पर्म बनाउण वाली ते जे खुराक उन्नी है नहीं तां रोज़ स्पर्म जे कढ़ांगे तो बहुते दिन सैक्स नहीं कर पाते। बहुत सारे बंदे नवे नवे भी यही है भी मैं तो जी चार बार सैक्स कर लेना गा वो भी पस सैल वध जाते हैं और वह सैक्स दो तीन महीने तो लगातार हो सकता है पर हौली 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 मन बुझदा जाता। तीसरी गल जदों एक दिन च पांच बार असं सैक्स करते हैं तो तीन महीनों बाद जो सैक्स एक टाइम तो रहा तो सानू कहा किसी ने भी नहीं कोई प्रॉब्लम है लेकिन बंदे नूं मानसिक तौर पर बीमार होने लग गया अज तो पहला मैं पांच बार कर लेंदा सी अज मेरे तो एक बार सैक्स नहीं हो रहा यह भी एक मानसिकता नूं टच करती है गल। दूसरी गल है कि सैक्स एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है इत्थे मैं तुहाडे जरिए ना गल परिवारां नूं दसनी चाहुंदा अगर हसबेंड वाइफ सैक्स कर रहे हैं बंदे ने सारे दिन दे विच मिलना गा 100 बंदे नूं तो औरत ने उहदी वाइफ ने घर का काम आ तो जां पेकियां नूं फोन कर लिया रिश्तेदारां नूं मासियां चाचियां होरां नूं ये टोटल सर्कल भी जो बना के देखिए तो फर्ज करो 10 बंदियां नाल उहने गल करनी है रिश्तेदारी की गल आ बंदे ने 100 बंदे नूं मिलना है बंदा हर रोज़ नहीं हस सकता बंदा हर रोज़ नहीं फिल्म दिखा सकता बंदा हर रोज़ एक एक्टिविटी नहीं रह सकता जॉब करने वाले तो बहुत सारा स्ट्रैस है बॉस के उत्ते स्ट्रैस है सरकारी जॉब वाले तो बहुत वड्डी स्ट्रैस है पंजाब पुलिस सब तो ज़्यादा स्ट्रैस के विच है ये चीज़ा डिपेंड कर दें कि तुसी केड़े तरह की रफ्तार दे विच जिंदगी जिउ रहे हो। हाँ जी भी जी होर कोई सवाल जी वैसे जी जिवें अजकल दे 20-21 साल दे नौजवान ने मुंडे जिन्हों के विआह होने वाले लोगों दी गल्लां सुन के उन्हां नूं भी लगता कि यार मेरे तो कुछ होना ही नहीं मैं करूँगा कि विआह तो बाद मेरी घर वाली ना भज्जे कई तो अपने आप नूं नामर्द समझी बैठे होने ही तो मतलब वह की उन्होंने आपां संदेश दे सकदा भी नामर्द हो अगर है नहीं तो किदां ने एक नामर्दी की चीज़ है। बहुत बहुत सब तो वधिया सवाल सारे सवाल बहुत अच्छे है
ਹੁਣ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਰਸੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏ ਪੈਨਿਸ 'ਚੋਂ ਡਰੋਪ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਪਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਮਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਹ ਲਿਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਸ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰਜ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਜ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਪਿੰਗ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਲਿਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-21-22 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 2-4 ਸਾਲ ਲੜਨਾ ਲੁੜਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮੱਤ ਮਿਲਣੀ, ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇਣਾ, 24-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ 27-28-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤਾਂ 4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਲਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਸਿਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਗ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਬਣ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੈਨਿਸ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਨਿਸ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਫਲੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨੈਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿਮਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਡਨੈਸ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਿਮਨ ਰੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਾਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੂਗਾ? ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਨੈਸ ਆ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਗਲ ਡਰੋਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਨਿਸ ਦਾ ਤਣਾਓ 40-50% ਘਟਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੈਨਿਸ ਡਰੋਪ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਪੈਨਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੱਥਰਸੀ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੱਥਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾਈਟ ਫਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿਪਸ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਫਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਜਾਗ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਨ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਸ ਨੇ ਵਜ਼ਾਈਨਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਪੈਨਿਸ ਤਾਂ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਿਮਨ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਨਿਸ ਦੇ ਲਿਪਸ ਇੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਮਨ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ। ਹੱਥਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥਰਸੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ,
पुछ के उन्होंने देखो जिन्हों के माँ प्यो ने भी 25-25 लाख रुपये ला के विआह किए हैं, तो जो गृहस्थी का आनंद नहीं भोग पाते तो साढ़े नौजवान बजुर्ग भी बुढ़े हो गए। इस करके ये ना नॉलेज करके कोशिश की आप कि सारे बंद नॉलेज मिले, परमात्मा करे थोड़ी गृहस्थी जिंदगी सुखी रहे। होर भी लोगों के कोई सवाल है तो आपको कमेंट्स के दस सकते हैं जी। सो हुणे हुणे जिहड़े वैद जगदीप सिंह ने वह मुंडिया नूं समझा के हटे ने, क्लास लगा के हटे ने। वैद जी एक मेरा सवाल है हुण ये है कि इन्हां सारे मुंडिया ने उही सवाल क्यों किते जो वैद हकीम कंधा दे उत्ते लिखा के अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, सोशल मीडिया से एडवर्टीजमेंट करते हैं या टैलीविजन दे विच जिस चीज़ का इश्तहार होंदा, सारे दे सवाल उही सी, इहदे पिछे की कारण है? फुरकी साहब थोड़ा सवाल बहुत वधिया है। गुरु नानक साहब ने ना जी दुनिया के जदों अपनी सानू ज्ञान का भंडारा दिता है उत्थे एक गल कही है भी सुननी गल वो है जिहड़ी सुन के थोड़ी जिंदगी बदल जाए, सुननी गल वो है जिहदे नाल अंधेरा खत्म हो जाए तो चानण आ जाए। बच्चा जमदा कदे बोलन नहीं लगता, पहला गल सुनता है, उन्हें सुनी है मम्मी तो मम्मी कहन लगे, उन्हें सुनिया पापा तो पापा कहन लगे। अज जदों असी 20 साल दे बच्चे दे कन्न दे विच फूक मार रहे हैं मरदाना ताकत हासिल करो, तो फिर 70 साल दे बुढ़े नूं भी दे दिया करो माड़ी माड़ी मरदाना ताकत, इत्थे बुढ़ा हो ही ना देगी किसी नूं। जिन्हों परमात्मा ने बुढ़ा करता उन्हों कोई बंदा जवान नहीं कर सकता, रिपेयर हो सकता। तुसीं कार लियांदी 10,000 बाद तेल उहदा चेंज करवाउणा पैणा, तुसीं कहो जी कार तां लियांदी मैं तां 70,000 ते चलाऊं ते इंजन सीज हो सकता। बहुत सारिया खुराकां साढ़े वास्ते बनिया पर बहुत सारिया खुराकां नहीं बनिया। बहुत सारे बंदे कहिंदे आ जी सारा कुछ जो परमात्मा करता है, बहुत सवाल करन वाले बंदे आउंदे आ, वो कहिंदे जे सारा कुछ परमात्मा करता वीर जी तां मेरा भी निकलता है। पर मैं कहा वीर जी दे अंदर पैदा किए हुए एक्टिव मोर्टैलिटी कित्थों लिआएगा? वीर जी चिट्टा देख के ना कितने चक्कर च पै जी, पर वीर जी च कण ही नहीं दिते, कईयां दे निल सकराणु दिते आ। उत्थे आ के परमात्मा मूहरे सिर झुकदा भी तू जिहड़ी शक्ति किसी के अंदर पैदा कर सकदा वो तेरी पावर नू छोटे छोटे ज्ञानता दे नाल असी नहीं तुलना कर सकते। इस करके मेरी बेनती है कि सारिया चीज़ां साडे सुख वास्ते नहीं बनिया। बहुत सारे बंदे दी इंद्री छोटी है, गृहस्थी ठीक है, घरवाली नाल मत मिली जाती है, सवाल जवाब कोई है नहीं गे, उहदे अर्गा आनंद कित्थे? इंद्री एड्डी होवे, इंद्री दा साइज जरूर वड्डा होवे, ते घर च कलेश इन्ना होवे ते होवे मानसिक रोगी, उस इंद्री तो असी करवाउणा की है? इस लई सानू जागना पैना, समझना पैना किहड़ी उम्र दे बंदे ने किहड़ी खुराक खानी है। लोक जिहड़े बच्चियां ने सवाल कीते उही सवाल ने जिहड़े बार बार असी अपनी एडवरटाइजमेंट और इश्तहारां दे विच पढ़दे हां ते जां इक दूजे तो सुणदे हां। सांडे दा तेल मेरे ख्याल सांडा ही नहीं किसी ने देखिया होना, तो पता नहीं किन्ना क तलदे आ। जानवर मारे तो परचा गा तो समझ नहीं आता भी सांडे किन्ने क मार के किन्ने क तेल वेची जांदे। सो इस करके बेनती है भी लोग इस चीज़ तो एजुकेट होण, इह जे आपां रोज़ लैक्चर कोशिश करांगे ताकि लोग इस चीज़ तो समझण, अवेयरनैस होण, कोशिश है। और बाकी कमेंट्स लोग दसणगे जी अपने आप जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी सारी गलबात। सो ये सन वैद जगदीप सिंह जिन्होंने अज उन्हां मुंडियां नूं जिहड़ी गृहस्थी बाबत एजुकेशन दित्ती है, जिन्हां दे मनां दे विच बहुत ज़्यादा उत्तेजना सी, गृहस्थी बारे जानण दी इच्छा सी, कईयां नूं इन्हां दे मापिआं ने भी भेजा कि जाके तुसीं इस वतीरे नूं समझो, इस प्रकृति नूं समझो, इस प्रवृत्ति नूं समझो, तां कि आउण वाला समां ते हुंदा समां उस नूं तंदुरुस्त जिहड़ा बनाया जा सके। कासिफ फारूकी, हकीकत टीवी पंजाबी, लुधियाणा।